नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक नाफा और नुकसान का हिसाब किताब शुरू हो गया है। 6 महीने बाद होने वाले आम चुनावों में इसका क्या असर होगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये तो तय है कि इसी बहाने INDIA गठबंधन और मजबूत हुआ है। विपक्षी एकता के लिए यह गठबंधन बना है। महिला आरक्षण बिल ने इसके सहयोगी दलों की एकजुटता बढ़ा दी है। गठबंधन ने अगले चुनाव के लिए OBC पॉलिटिक्स और जातिगत जनगणना का एजेंडा सेट कर दिया है। अब तक यह मुद्दा समाजवादी पार्टी, RJD, JDU और DMK जैसी पार्टियों का होता था, पर अब कांग्रेस ने भी इसे अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये बदली हुई राजनीति है। किसी ने सोचा था कि कभी कांग्रेस भी ओबीसी राजनीति के रास्ते पर चल सकती है, लेकिन महिला आरक्षण ने कांग्रेस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कहा तो ये जा रहा था कि इस बिल पर INDIA गठबंधन में फूट पड़ जाएगी, पर संसद में INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों का एक स्टैंड रहा। सोनिया गांधी से लेकर ललन सिंह और मनोज झा एक सुर में बोले। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को नई ताकत मिल गई। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने से पहले बीजेपी की राजनीतिकारों को लग रहा था कि इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन में झगड़ा हो सकता है, कांग्रेस और हिंदी पट्टी की क्षेत्रीय पार्टियों में ठन सकती है और समाजवादी पार्टी और RJD का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा था। महिला आरक्षण बिल को लेकर अतीत में ऐसा होता भी रहा है, जब समाजवादी पार्टी और RJD की शुरुआत से ही आरक्षण में आरक्षण की मांग रही है, जबकि कांग्रेस का रुख इस पर अलग रहा है। साल 2010 में राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए व्यवस्था नहीं थी। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय RJD के सांसदों ने तब आसमान सर पर उठा लिया था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तब वोटिंग से वॉकआउट कर दिया था। यही नहीं, ममता बनर्जी के विरोध के कारण ही इसी महीने मुंबई में हुई INDIA गठबंधन की मीटिंग में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। लेकिन महिला आरक्षण ने TMC और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियां कम कर दी। संसद में INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों ने मोदी सरकार की तरफ से पेश महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन सबकी मांग एक जैसी रही। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षण अगले साल लोकसभा चुनाव से ही लागू हो जाए, जातीय जनगणना कराने के बाद आरक्षण लागू हो। एक तरफ से बीजेपी के खिलाफ INDIA गठबंधन ने उसके सामाजिक प्रयोग की चुनौती दे दी। इसीलिए पिछले 2 दिनों से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने देश को ओबीसी पीएम दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक मंत्री इसी बिरादरी से हैं। गुजरात के बाद यूपी देश में बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, जहां पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पाटिल की पार्टियों से गठबंधन किया। ये सभी नेता ओबीसी समाज से हैं। जातिगत आरक्षण की मांग ये भी करते रहे हैं। संसद में सोनिया से लेकर राहुल गांधी तक के भाषण ने सबको चौंका दिया। दोनों ही नेताओं ने जातिगत जनगणना और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कांग्रेस की नई राजनीति और रणनीति के संकेत दे दिए। अब यह तय है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राम मंदिर, हिंदुत्व के मुकाबले INDIA में गठबंधन की ओबीसी वाली राजनीति होगी ही होगी। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।